मैं सबसे पहले तो इस नई डेवलपमेंट पे एहसान आपको और पीटीवी आपको खास तौर पर मुबारक देता हूँ, और केबल ऑपरेटर्स की तरफ से जो आपने आज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आप सबको मुबारक देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव स्टेप है मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर जाएगा, ये पीटीवी की जो सारी कवरेज है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको ऊपर उठाएगा, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर हमारे जो अवाम है जो स्पोर्ट्स से प्यार करती है, जो क्रिकेट से ख़ास तौर के ऊपर जो क्रिकेट पे इतना इंटरेस्ट लेती है, उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम पीटीवी लीड ले कवरेज के अंदर और स्पोर्ट्स कवरेज के अंदर, और ख़ास तौर पे क्रिकेट की कवरेज। अपनी नेशनल क्रिकेट टीम और क्रिकेट के ऊपर मुख्तसर बात यह करना चाहता हूँ, जितना टैलेंट पाकिस्तान में है, मैंने हमेशा ये कहा दुनिया में कहीं मैंने इस तरह का टैलेंट नहीं देखा। और हमारा जो टैलेंट था वो एक सिस्टम ना होने के बावजूद निकलता था, सिस्टम की वजह से हमारा टैलेंट ऊपर नहीं आता था। हमारे मुल्क में इस तरह के खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेले हैं जो दुनिया में इस तरह के कभी भी खिलाड़ी डायरेक्ट क्लब क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। तो ये रिफ्लेक्ट करता था टैलेंट इस मुल्क के अंदर। और इसलिए मैं हमेशा कहता था कि जो सिस्टम है टैलेंट को पॉलिश करने का, यानी क्रिकेट का स्ट्रक्चर, अगर हम उसको ठीक कर लें तो पाकिस्तान अनबीटेबल हो जाएगा। और बदकिस्मती से थोड़े से लोग बैठे हुए थे जो कि उनका अपना इंटरेस्ट था, वो सिस्टम नहीं चेंज होने देते थे, और पाकिस्तान का दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ सिस्टम था। जो मैं अभी मिसबा को और इनको समझा रहा था कि दुनिया में सिस्टम ऐसा है कि जितनी अच्छी कंपटीशन होती है उतने खिलाड़ी बेहतर निकलते हैं। तो जो सिस्टम दो चीजें करे, एक कंपटीशन का लेवल रेज कर दे और दूसरा मेरिट ले आए, वो हमेशा मुल्क लीड करेगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे कामयाब, दुनिया की तारीख की सबसे कामयाब क्रिकेट टीम है, और उसकी वजह से उनका सिस्टम है। जो भी क्रिकेट समझता है वो जब पाकिस्तान क्रिकेट को देखता है उसको वाजे नजर आ जाता है कि इस टीम में बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए जो सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत थी। वैसे 40 साल से लगा हुआ था कहने के लिए, और मैंने फैसला किया था इंशाल्लाह कभी मुझे पावर मिली थी सिस्टम चेंज करूंगा, और मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज को और मिसबाह को और अजहर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं, थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब आपका सिस्टम आया डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जिस तरह जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन है, ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी। ये जो पीटीवी है, दूसरी चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, एक वक्त पे हिंदुस्तान में सारा पाकिस्तान का पीटीवी देखा जाता था, हमारे ड्रामास क्वालिटी के ड्रामास थे, पीटीवी लीड करता था सारे इलाके में, सारा मुल्क पीटीवी देखता था। सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के अंदर जो वर्ड है कि वो स्पीशीज सर्वाइव करते हैं जो अडेप्ट करते हैं, जो वक्त के साथ चेंज होते हैं, जो भी रुक जाता है कहीं जाके वो पीछे रह जाता है क्योंकि दुनिया तेज़ी से आगे जा रही होती है। तो हमारा बदकिस्मती से पीटीवी भी पीछे रह गया, और पीटीवी बड़ी वजूहत है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन पीटीवी को वापस लाना उस लेवल के ऊपर ये एक पहला कदम है, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत देखते हैं। और ये जो इंशाल्लाह ये जब आप हम ये जो आज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इससे जो आपके पीटीवी के पास आमदनी आएगी उसकी वजह से इंशाल्लाह पीटीवी अपने अंदर इन्वेस्ट भी करेगा। आपकी वो भी फीस भी बढ़ाने का हमने कैबिनेट ने उसको देखा था, हम सिर्फ आपके बिजनेस प्लान की इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर हम वो फीस बढ़ाएंगे तो क्या उसकी वजह से आप बेहतर क्वालिटी देंगे लोगों को, और आप उसकी ये जो इतने ज़्यादा लोग भर्ती किए हुए हैं और सिफारिशी भर्ती किए हुए हैं, तो लोग इसलिए नहीं पैसा देना चाहते कि वो चाहें कि करप्ट सिस्टम की वो मज़ीद और पैसा डालें। लोग देखना चाहते हैं कि पीटीवी फिर बेहतर परफॉर्मेंस दे, उसकी क्वालिटी बेहतर आए, वो यानी वो अगर प्राइवेट टीवी चैनल्स के साथ कम्पीट करें तो तब लोग फीस देना चाहते हैं। तो वो इंशाल्लाह आपका जैसे बिजनेस प्लान आएगा तो हम फीस भी इसकी बढ़ा देंगे, लेकिन ये जो स्टेप है इंशाल्लाह इससे आज क्रिकेट प्रमोशन के अंदर पीटीवी का भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी फ़ायदा होगा। जो केबल नेटवर्क है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए,
क्योंकि वो जो क्वालिटी उसके अंदर है वो जब जितना वो आती रहेगी, क्योंकि लोग लोगों के साथ अब कंपेयर करते हैं, जिस तरह बाहर की प्रोडक्शंस हैं क्रिकेट की तो वो लोग कंपेयर करना चाहते हैं, तो जितना अच्छी स्क्रीन नज़र आएगी तो लोग उतना ही इंजॉय करेंगे स्पोर्ट्स को।